हाई एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्ट स्टारो आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है सो आइए देख लेते हैं दैट हम लोग आज क्या देख सकते हैं हमारे लियोस के बारे में सो अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी लियो एनर्जी है आप ये रीडिंग देख सकते हैं ये होगा आपका जुलाई फ़र्स्ट हाफ़ के लिए दैट इज़ जुलाई फ़र्स्ट टू फिफ्टीन भी जिसे आप कह सकते हो सो मेरे बारे में ऑल्सो अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आप वहाँ से जा के देख सकते हैं ये एक जनरल रीडिंग होगा Leo's, जितना करे प्लीज उतना ही लेना इस रीडिंग से एंड कोई भी मैसेज जो रेजोनेट ना करे उसे अपने ऊपर फोर्स मत करना सो so, पहला चीज लियोज जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जुलाई फर्स्ट हाफ में इज़ um, दैट यहाँ पे आप किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हो या आप किसी चीज़ को चेज़ कर रहे हो या आपका कोई ड्रीम हो सकता है या आपका कोई टारगेट गोल जिसे आप अचीव करना चाहते हो या आपका कोई पर्सन कोई रिलेशनशिप मैरिज करियर सिचुएशन भी हो सकता है आई ऑल्सो सी आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो डैट लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं um, या कोई आपको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं आई फील दैट इस टाइम पे आप सोशल हो बट बहुत सारा इनसिक्योरिटीज़ है या आप काइंड kind ऑफ of, uh, आप काइंड kind ऑफ of अपने लिए एक कंफर्ट जोन ढूंढ रहे हो लाइक like आपको सोशल uh, जगहों पे रहना uh, अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज़ आई थिंक दैट आप कुछ चेंज करना चाहते हो जो जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो या तो आपके करियर में या तो आपके पर्सनल लाइफ में आई ऑल्सो फील दिस इज़ अ टाइम आपको कुछ चाइल्ड हुड ट्रामाज़ आप काइंड ऑफ क्लियर आउट कर रहे हो रिलीज़ कर रहे हो स्पेशली अगर एज़ अ चाइल्ड आप बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड फील कर रहे थे अगर एज अ चाइल्ड आपको हमेशा से ये लगता था कि कोई आपको वैल्यू नहीं देता लाइक कोई आपकी बातों को नहीं समझता या आपके विशेस फुलफ़िल नहीं हो पाए थे किसी भी कारण से आई सी कुछ ट्रॉमास कुछ बैगेजेस है जो अभी भी आपके सर पे है एंड आप काइंड ऑफ इन बैगेजेस को क्लियर आउट कर रहे हो किसी uh, तरीके से ओके आई ऑल्सो फील हियर लियोज दैट दिस इज़ अ टाइम Uh, there is for some of you kind of a soulmate twin flame situation चल रहा है यहाँ pe अगर मैं love की बात करूँ I see that यहाँ pe एक soulmate hai है एक twin flame hai है जो आज आपसे connect कर रहे हैं इस दौरान like इस timeline ke के दौरान आपसे connect कर रहे हैं because ये person काइंड kind ऑफ of आपको रास्ता दिखा रहे हैं या आपके फ्रेंड हो सकते हैं या आपके घर पे कोई हो सकते हैं या आपके पार्टनर या इवन ये आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं इफ़ यू सीधा रॉन् नॉट सो आई थी ये ये जो भी आपके गाइड है ये जो भी आपके लाइक एंजल गाइड या सोल में ट्विन फ्लेम या जो भी आप कहना चाहते हो ये पर्सन आपको जो भी एडवाइस दे रहे हैं uh, उस एडवाइस को लेने की कोशिश करो बिकॉज आपको पता है कि ये एडवाइस क्या है आप खुद से ये पूछ रहे हो कि क्या मुझे ये एडवाइस लेना चाहिए या नहीं आई ऑल्सो सी इस टाइम पे एक बहुत बड़ा विश फुलफिलमेंट होने वाला है आई फील दैट ये आपके करियर में भी हो सकता है दैट आप कुछ अचीव कर रहे हो यहाँ पे आप कोई टारगेट अचीव कर रहे हो काम पे आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो लोग आपको नोटिस कर रहे हैं आपको वो सैलरी आपका वो प्रॉफिट आपका वो बैंक बैलेंस आप बना पा रहे हो किसी या like, किसी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे थे जो फाइनली होने वाला है सो आई सी दैट आप काफ़ी ज़्यादा खुश हो अपने करियर को लेके आप पैसा कमा रहे हो आपके आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा चल रहा है आप सैटिस्फाइड हो अपने बैंक बैलेंस से आप सैटिस्फाइड हो अपने लाइफस्टाइल से आप जहाँ पे भी मेहनत डाल रहे हो आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे इस जॉब से इतना पैसा आना चाहिए या मुझे इतना पैसा मुझे मैनिफेस्ट करना है अपने लाइफ में आई सी दैट कहीं ना कहीं से वो पैसा आपको मिल रहा है सो आई फील दैट फिनेंशियली इस टाइम पर आप फ्लरिश कर रहे हो फ़िनैनशली आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो मुझे काफ़ी ज़्यादा आप सैटिस्फाइड लग रहे हो मुझे आई एम ऑल्सो सींग फ्रूट्स ऑफ योर लेबर सो इतना टाइम से जो भी आपने मेहनत डाला है इतना टाइम से आप जो भी जिस चीज़ के पीछे भी काम कर रहे हो आई सी उसका जो रिवॉर्ड है वो इस समय आप रिसीव करने वाले हो आई ऑल्सो सी आप बहुत एफर्टलेसली चीज़ों को अचीव कर रहे हो लाइफ में इस वक्त लाइक आप जितना एफर्ट डाल के आ, कुछ पा पाते थे कुछ हासिल करते थे आई थिंक उस, उससे आधे एफर्ट में आप उस चीज़ को हासिल कर रहे हो बट इसका मतलब ये नहीं कि आपको शॉर्टकट्स लेना है या आपको कम काम करना है नहीं आपको जितना आपका हंड्रेड परसेंट मेहनत है आप वो दो बट आपको दिखेगा आपका रिवॉर्ड जो है वो दुगना हो चुका है आपका वो हंड्रेड परसेंट मेहनत से आपको जो मिलता था पहले उससे कई गुना ज़्यादा रिवॉर्ड आपको मिल रहा है चाहे वो पैसा हो चाहे वो अप्रिसिएशन हो चाहे वो जॉब uh, सेटिस्फैक्शन हो जो भी हो कुछ लोग स्पेसिफिकली यहाँ पे कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे एंड स्पेसिफिकली वो चीज़ हो रहा है आपके साथ वो होते हुए आप दिख रहे हो लाइफ में जो आपको कई गुना मोटिवेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए जो आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता दे रहा है लाइफ में दैट आई कैन सी हियर <coughs> आप डेफिनेटली किसी चीज़ को रिसीव कर रहे हो यहाँ पे लियोज कोई पैसा कोई रिवॉर्ड कोई जॉब एप्रिसिएशन कोई अपॉइंटमेंट लेटर कुछ ना कुछ आप रिसीव कर रहे हो जो आपके फाइनेंसेस आपके करियर को यहाँ पे नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है बिकॉज आप मूव कर रहे हो लाइफ में आप लेवल अप कर रहे हो आप काइंड ऑफ रियलाइज कर रहे हो कि आपके टैलेंट्स क्या है आपको कहाँ मेहनत डालना है आपका मेन पर्पज क्या है आपके लिए वो जो भी है विशेष आर कमिंग ट्रू ड्रीम्स आर गेटिंग फुलफिल्ड ओके एंड ये आप देख पा रहे हो रियालिटी में अगर मैं आपके पर्सनल uh, लाइफ की बात करूँ अभी पर्सनल लाइफ इमोशनल लाइफ लव आई डेफिनेटली सी दैट आप किसी न्यू बिगिनिंग का इंतज़ार कर रहे हो लियोस कुछ लोग किसी पास्ट पर्सन या करंट पर्सन के साथ कुछ लोग एक कम्प्लीटली न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो ना जो सिंगल हो एंड जो लोग न्यू एकदम न्यू पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो आई सी दैट थोड़ा सा डिले है उस चीज़ में थोड़ा सा आपको और वेट करना पड़ेगा बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस जो आपसे आ रहा है या आपके आसपास के की सराउंडिंग से यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं दैट आप अगर रेडी फील कर भी रहे हो आप मे बी खुद या फिर आपके आसपास का जो एनवायरमेंट है वो रेडी नहीं है वो यू नो प्रिपेयर्ड नहीं है कि आप इस न्यू लव या न्यू पर्सन को अपनी लाइफ में फ़िलहाल मैनिफेस्ट करो या इस पंद्रह दिनों में मैनिफेस्ट करो बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो मे बी आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे हो अपने इनसिक्योरिटीज़ के साथ स्ट्रगल कर रहे हो अपने डिपेंडेंसी के साथ स्ट्रगल कर रहे हो पास्ट रिलेशनशिप ट्रॉमा या हर्ट या कुछ भी या कुछ प्रॉब्लम है आपके आसपास जिसके साथ आप अभी स्ट्रगल किए जा रहे हो एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ये स्ट्रगल आपका बहुत जल्दी एंड होगा एंड उसके बाद आपके लव में एक न्यू बिगेनिंग होगा लव में एक न्यू पर्सन आएंगे जो सिंगल्स हैं जिस पर्सन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिस पर्सन को आप चाह रहे हो बिकॉज यहाँ पे कुछ ऐसे सिंगल्स मुझे दिख रहे हो जो लिटरली चाहते हो कि एक न्यू पर्सन आए आपके लाइफ में जो मे बी प्रे कर रहे हो जो मे बी मैनिफेस्ट कर रहे हो जो मे बी ड्रीम्स देख रहे हो जो मे बी कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो आप अपने सोर्स uh, से ताकि यू नो आप अपने लाइफ में अपने लव लाइफ में एक नेक्स्ट लेवल पर यू नो नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके बट यूनिवर्स इस काइंड ऑफ आपको पेशेंस सिखा रहे हैं दैट ये जब होना होगा ये ऑटोमेटिकली होगा बट इन पंद्रह दिनों में आपका मेन टारगेट कुछ और है आपका मेन चैलेंजेस कुछ और है जो आपके आसपास चल रहा है आई सी हियर दैट जो लोग किसी एक्जिस्टिंग रिलेशनशिप सिचुएशन से गुजर रहे हो पास पर्सन कॉन्फ्लिक्ट ड्रामा समथिंग लाइक दैट आई सी इस टाइम पे आप लोग काइंड ऑफ थोड़ा सा mm, अप्स एंड डाउन्स फेस करोगे इन द सेंस कि ओवरऑल सब सही रहेगा बट कभी कभी आप फील करोगे तो जब आप इस पर्सन से मिल रहे हो जब आप लोग एक साथ हो जब लोग जब आप लोग टाइम स्पेंड कर रहे हो तब सब कुछ एकदम परफेक्ट है सब कुछ एकदम ड्रीम काम ट्रू है बट कुछ टाइम जैसे कि आप बिज़ी हो वो पर्सन बिजी है तब आपको थोड़ा सा आ, डाउन फील हो सकता है तब आपको लग सकता है कि नहीं शायद ये प्रॉब्लम है वो लाइक ओवर थिंकिंग कर सकते हो मे बी सच में प्रॉब्लम्स झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है बट देन अगर सॉरी देन अगेन जब आप लोग साथ आ रहे हो फिर से सब कुछ सही हो रहा है फिर से जैसे दूर हो रहे हो फिर से प्रॉब्लम आ रहे हैं सो दिस इज़ लाइक एन इन एंड आउट सिचुएशन या अप एंड डाउन सिचुएशन जहाँ पे जब जितना टाइम आप लोग साथ गुजारते हो एक साथ रहते हो सब सही होता है जैसे ही मे बी आप अकेले रहते हो अलग रहते हो या बिजी हो जाते हो तभी आपको ओवर थिंकिंग होता है तभी आपको यू you नो know, इस पर्सन की याद आती है तभी आपको डाउट्स होते हैं तभी प्रॉब्लम्स होते हैं झगड़े होने लगते हैं या आपके साथ या तो इस पर्सन के साथ सो आई फील दैट दिस इज़ अ इन एंड आउट सिचुएशन जहाँ पे यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट इस कनेक्शन में सब कुछ ठीक है सब कुछ सही है बट एक बैलेंस की कमी है लाइक like, कहीं ना कहीं आई सी हियर दैट दिस कैन बी साम्बरी जो आपके सोलमेट है ओके okay? पॉसिबिलिटीज है चांसेस है दैट ये आपके सोलमेट है ये पर्सन आपको लाइक आप दोनों एक दूसरे को किसी टाइप का एक लेसन सिखा रहे हो बट मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि लेसन मतलब हमेशा ट्रॉमा या लेसन मतलब हमेशा सेपरेशन नहीं है लेसन हम लोग अपने सोलमेट से भी सीख सकते हैं लेसन हम लोग लेसन uh, सीखने के बाद भी हम लोग साथ रह सकते हैं सो दैट इज वॉट इज बेसिकली हैपनिंग ओके आपको लग सकता है कि आपके लव सिचुएशन में कि ये पर्सन थोड़ा सा डिमांडिंग है इस टाइम पे लाइक ये पर्सन आपको या तो फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए कहीं जाने के लिए कुछ सुनने के लिए आ, या तो आपको लग सकता है दैट ये कनेक्शन लाइक आपको कंटिन्यूसली काइंड ऑफ एक ओवर थिंकिंग हो रहा है इस पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो नेगेटिवली आपको लग रहा है कि अगर नेगेटिव हो गया तो अगर कुछ बुरा हो गया तो अगर ये वर्कआउट नहीं किया तो एंड यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट अभी इतना ज्यादा फोकस मत करो इस सिचुएशन पे इस पर्सन पर इस रिलेशनशिप पे बिकॉज इस टाइम पे आप कंट्रोल करके कुछ नहीं कर सकते इस टाइम पे आप इतना ओवर थिंक करके कुछ नहीं कर सकते दिस इज़ फॉर सम ऑफ यू ये काइंड ऑफ एक कार्मिक साइकिल है जो आप लोग गुजर रहे हो जिसके थ्रू एंड ये पर्सन अपने लाइफ में अपना कारमा के साथ गुजर रहे हैं आप अपना कारमा सो इस सिचुएशन में आप कुछ खास चेंजेस नहीं ला सकते आप कुछ खास चॉइस आपके पास नहीं है सम ऑफ़ यू ये आपके पास्ट पर्सन एक्स पार्टनर है um, या फिर ये जो आपके एक्स पार्टनर है ये काइंड kind ऑफ of फिर से आपके लाइफ में आके कोई uh, एक्सक्यूज़ दे सकते हैं बट आई डोंट थिंक आप इस पर्सन में इंटरेस्टेड हो बट ये पर्सन फिर भी आके आपके सामने कुछ एक्सक्यूज़ ला सकते हैं ये पर्सन आपको आ, किसी टाइप का बहाना दे सकते हैं किसी टाइप का कम्युनिकेशन भेज सकते हैं दैट इज़ वॉर आई सी यर या तो आई फील दैट फॉर सम ऑफ यू आपके एक्स के बारे में आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपके काफ़ी सारे आ, आ, सवालों का जवाब होगा जो आपके काफ़ी सारे ओवर थिंकिंग का जवाब होगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगा उस पर्सन के उस बिहेवियर से या उस इंफॉर्मेशन जो आप रिसीव करने वाले हो इस पर्सन से ओके okay?